जालंधर लोकसभा सीट पर सोमवार शाम को प्रचार थम गया। कांग्रेस सांसद संतोष चौधरी के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर अभी चार प्रमुख दलों के उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर चल रही है। कांग्रेस ने दिग्विजय सांसद संतोष चौधरी की पत्नी करमजीत कौर चौधरी को मैदान में उतारा है, जबकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस छोड़ आए सुशील कुमार रिंकू को उम्मीदवार बनाया। शिरोमणि अकाली दल बसपा गठबंधन ने डॉक्टर सुखविंदर कुमार सुखी पर दांव खेला है, जबकि भाजपा ने पूर्व विधायक इंद्र इकबाल अटवाल को प्रत्याशी बनाया है। कुल 19 उम्मीदवार मैदान में हैं। जालंधर सीट पर कांग्रेस, आप, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है। इस सीट पर चार पार्टियों के बीच कांटे का मुकाबला है। खासतौर से कांग्रेस और आप के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल है। ऐसा इसलिए कि कांग्रेस इस सीट पर पिछले चार बार से लगातार चुनाव जीतती आई है। वहीं पंजाब में आपका सत्ताधारी पार्टी होने के नाते भगवंत मान सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर है। जहां तक शिरोमणि अकाली दल की बात है तो उसके लिए ये सीट हमेशा से चुनौती साबित हुई और काफी जद्दोजहद के बाद भी वो इसे अभी तक कांग्रेस से नहीं छीन पाई है। यही वजह है कि इस सीट पर चारों दलों के शीर्ष नेता चुनाव प्रचार में व्यस्त नजर आए थे। कांग्रेस प्रत्याशी करमजीत कौर को जिताने के लिए पूर्व सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू डेरा डाले गली गली मतदाताओं से मुलाकात कर खाक छानते नजर आए, तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आप प्रत्याशी को जिताने के लिए लगातार रैलियां करते नजर आए। इतना ही नहीं, सीएम भगवंत मान भी लगातार जालंधर पहुंचकर चुनाव प्रचार करते नजर आए थे। वहीं शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी सुखविंदर को जिताने के लिए पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल दिन रात जालंधर में एक किए हुए थे। बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्री जालंधर में डेरा डालकर बैठे थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बीजेपी प्रत्याशी इकबाल सिंह अटवाल को जिताने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मतदाताओं को प्रभावित करने के काम में जुटे नजर आए थे। जालंधर लोकसभा क्षेत्र 9 हलकों यानी विधानसभा क्षेत्र में बटा है। इन हलकों में हलका वेस्ट, सेंट्रल, नॉर्थ और कैंट शामिल हैं। वहीं देहाती हलकों में नकोदर, शाहकोट, फिल्लौर, करतारपुर, आदमपुर शामिल हैं। इनमें 5 ग्रामीण क्षेत्र तो वहीं 4 शहरी क्षेत्र में आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य मुकाबला कांग्रेस, आप और शिरोमणि अकाली दल के बीच है, जबकि शहरी हलकों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। तय है इस सीट पर बीजेपी जिसका वोट काटेगी उसकी हार तय है। जहां तक बीजेपी की जीत की बात है तो उसकी उम्मीद बहुत कम है। इसके बावजूद बीजेपी प्रत्याशी इकबाल सिंह जीतते हैं तो उसे चौंकाने वाला परिणाम माना जाएगा। जालंधर संसदीय क्षेत्र में देश की आजादी के बाद अब तक चुनाव में 14 बार कांग्रेस, 2 बार अकाली दल और 2 बार जनता दल के खाते में गई है। पिछले 4 चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी लगातार यहां से जीत हासिल करने में सफल रहे हैं। साल 2019 लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस प्रत्याशी को यहां जीत मिली थी। कांग्रेस ने संतोष सिंह की पत्नी प्रोफेसर करमजीत कौर को यहां से मैदान में उतारा है। कांग्रेस की अनुसूचित जाति के साथ साथ शहरी मतदाताओं पर पकड़ है। इसके साथ ही कांग्रेस संतोष सिंह चौधरी का नाम और काम के साथ आपकी वादा खिलाफी को भुनाने में जुटी है। वहीं आम आदमी पार्टी करप्शन मुक्त शासन और अधिकतर वादे पूरे करने का दावा कर इस सीट पर जीत हासिल करना चाहती है। बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी और सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की खराब स्थिति के मुद्दे पर मैदान में है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।